बबीता गौड़ पहुंची सभापति करुणा चांडक के आवास पर, दी शुभकामनाएं और दिया सहयोग का आश्वासन। श्री गंगानगर नगर परिषद चुनाव में सभापति पद पर पराजित भाजपा प्रत्याशी बबीता गौड़ आज सुबह अपने पति पूर्व पार्षद पवन गौड़ के साथ अचानक नव निर्वाचित सभापति करुणा चांडक के आवास पर पहुंची। उन्होंने करुणा चांडक और उनके परिवारजनों को जीत की बधाई दी। इस पर करुणा चांडक ने बबीता गौड़ को गले लगाया और शहर के विकास में मिलजुल कर कार्य करने की बात कही। करुणा चांडक ने बबीता गौड़ और पवन गौड़ का मुंह भी मीठा करवाया। करीब एक घंटे तक इनकी आपस में बातचीत भी हुई। हालांकि यहां कांग्रेसी नेता अशोक चांडक उपस्थित नहीं थे, वे होटल में पार्षदों के साथ बैठक कर रहे थे। जैसे ही बबीता गौड़ उनके पति चांडक के आवास पर पहुंचे तो सभी लोग अचंभित रह गए। कयास लगाए जाने लगे कि शायद उपसभापति पद को लेकर दोनों ओर से किसी एक नाम पर सहमति के लिए विचार किया जा रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं था। बबीता गौड़ के साथ नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद लक्ष्मी देवी भी उपस्थित रही। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।